हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम घर पर, सर्दियां चल रही हैं तो उसके लिए आज हम घर पर पहनने के लिए स्लीपर बनाएंगे, क्योंकि घर में चप्पल पहनना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आज हम स्लीपर बना लेते हैं, जिससे हमारे पैर ठंडे भी नहीं होंगे और हमें ठंड भी नहीं लगेगी और ना हमें चप्पल पहनने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पुरानी ये पजामी ली है बच्चे की, जो पहनता नहीं है इस तरह की, तो इससे आज हम स्लीपर बना लेते हैं। ये देखिए पुरानी पजामी है, काफी साल से ये पड़ी हुई है तो वो पहनता नहीं है, इसका नाड़ा वाड़ा भी उसने निकाल के फेंक दिया है। तो इससे आज हम बहुत ही सुंदर से स्लीपर बना लेते हैं। इससे आप 2 से 3 जोड़ी स्लीपर बना सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी पजामियों से। तो मैं इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। और कटिंग हम करेंगे, एक लेयर हम इसकी लेंगे और एक लेयर हमें इसकी लेनी है, जो कपड़ों के साथ जो फॉर्म आती है उसको लिया है। ये थोड़ी हार्ड वाली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो फॉर्म आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप इसमें किसी भी थिक कपड़े का यूज कर सकते हैं। तो गरम ये हो गया, एक लेयर हम इसकी लेंगे और नीचे के जो बेस है उसके लिए हम किसी भी पैंट का यूज कर लेंगे। अगर आप पैंट नहीं है आपके पास तो आप कोई थिक सा कपड़ा ले लें, क्योंकि जो नीचे का पार्ट है उसे हमें थिक रखना है, तो आप कोई नीचे थिक कपड़ा ले लें। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, फॉर्म को न लें, क्योंकि ये जींस भी काफी थिक है और जो मेरा ये कपड़ा है वो गर्म है तो ये भी थिक है, तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो जो नीचे का वेस है वो मैं इससे कट करूंगी, बीच का इससे लाइनिंग, और जो ऊपर का पार्ट है वो हम इससे कट करेंगे। तो मैं पहले कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबकी कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये हमारा ऊपर का पार्ट है और ये हमारे नीचे वेस के पार्ट है। तो ऊपर का पार्ट और ये बेस के पास पार्ट है, तो अब हमें इनको किस तरह से रखना है। ये देखिए, मैंने अपनी चप्पल ली, कोई भी आप अपना जो पहनते हैं घर में स्लीपर उसको ले लें और उसके नाप से आपको उसे रखकर यहाँ पर मैंने पहले इस पर मार्किंग कर ली। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग की थी, ये मैंने पहले पैर से किया था तो स्लीपर थोड़ा बड़ा होता है तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। इस तरीके से कट कर लिया। अब हमें इन दोनों को इस तरह से रखना है क्योंकि हम दोनों पैरों के बना रहे हैं। तो अब हमें इस वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और ये देखिए इस वाले पार्ट को इस तरह से रखना है। इस तरीके से हमें इनको सेट करना है जिससे कोई किसी के साथ मिक्स मैच ना हो। तो इसको इसके ऊपर रख लिया और इसको इसके ऊपर रख लिया इस तरह से। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रखकर ये दोनों स्लीपर का तैयार कर लिया है। आप कोई भी पुरानी अपनी चप्पल ले लें, उससे मार्किंग करके इस तरीके से रख लें। और हमें दोनों पैरों के बना रहे हैं तो दोनों पैरों को हमें एक जैसी कटिंग कर लें, उसको सिर्फ उल्टा सीधा रखना पड़ता है। अब हमने जो ऊपर की कटिंग की है वो किस तरह से की है, इस तरह से हमने एक पैर लिया। ये मेरे 4 पीस हैं, यहाँ पर 2 पैंट के हैं जींस का और 2 मेरे जो बेस का लगा रही हूँ गरम कपड़ा है उसके हैं। तो इस तरह से रखा, इसका हाफ ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने आधा पौना इंची रखते हुए यहाँ पर ज्यादा ले लिया है मार्जिन में, और यहाँ पर बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लिया है। ये साइडों से मैंने थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन ले लिया है इस तरह से। तो अब हमें इसे भी इसी तरह से रखना है। ये हमने इस तरीके से रखकर कट किया है। तो ये हो गया हमारा इस वाले पार्ट का और ये हो गया हमारे इस वाले पार्ट का। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरह से अब ये हो गया हमारे इस वाले का और ये हो गया हमारे इस वाले का, इस तरह से रखना है। तो अब हम इनको पहले इस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक हो गया, इसे पिनअप कर देते हैं नहीं तो मिक्स मैच हो जाएगा।
तो ये देखिए इस तरह से रखकर मैंने इनको सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पर पहले सिलाई लगाएंगे। आप इसे सुई धागे से भी बना सकते हैं, इस स्लीपर की एक खासियत है, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे सुई धागे से भी बना सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको यहाँ पर पूरे पर सिलाई लगानी है, रनिंग स्टिच करते हुए आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। उसके बाद आप इसे यहाँ पर यहाँ से लेते हुए इसे भी सिल लें। आप पहले इसकी पाइपिंग लगा लें। तो मैं पाइपिंग के लिए एक कपड़ा ले रही हूँ इस तरीके का, ये देखिए इसमें से मैंने एक कैप बनाया था, वो मेरे वीडियो चैनल पर है। ये मेरे प्लाजो का कपड़ा है जो वेस्ट पड़ा हुआ है और थोड़ा सा ही कपड़ा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसे ले लेती हूँ, इससे मैं बनाकर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर जो छोटा पीस है उसे ही लेकर मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। तो हमें जितनी भी चौड़ी इसमें पट्टी लगानी है उस हिसाब से हम इसमें कट कर लेते हैं। आप चाहें अगर आपके पास इस तरह का कोई भी फैब्रिक नहीं है तो आप यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आपको कोई इस तरीके का फैब्रिक लगाना है, आप इसकी जगह जो ये कपड़ा है उसे लगा सकते हैं। इसमें जो भी आप पाइपिंग का यूज करें उसे लगा सकते हैं, किसी को भी लगाकर आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से रखकर हम सिल लेंगे और इसे पलटते हुए यहाँ पर भी इसे इस तरीके से सिल लेंगे। तो ये हमारी एक पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो ये काफी अच्छा लगेगा इस तरह से लगाने से, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से नहीं लगाना है अगर आपके पास। तो देखिए इसे इसके साथ सिल लिया है, तो ये हमारा इस तरह से स्लीपर बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ हमें इसकी पाइपिंग लगानी है, इसी तरह से हम इसे भी सिलकर तैयार कर लेंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर, ये थिक हो गया है यहाँ पर, तो अगर आपकी सिलाई मशीन चले तो आप इस पर सिलाई मशीन से लगा लें, अगर आपकी सिलाई मशीन नहीं चल रही है तो आप यहाँ पर ये पाइपिंग को हाथ से लगा कर तैयार कर लें। तो अब फिर से हम सुई और धागा थ्रेड्स लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ये देखिए 1.5 इंच जितनी चौड़ी पट्टी ले ली है, इससे अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो कहीं से भी रखकर आप इसे इस तरीके से पहले सिल लें, उसके बाद हम इसे पलटते हुए इसकी पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप सिलें, पहले इस तरीके से सिलना है, फिर फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से सिल लेंगे। तो मैं इसकी पाइपिंग को लगाकर तैयार कर लेती हूँ, इसी तरह से हम दूसरे वाले पेयर को बनाकर तैयार। तो ये देखिए इसकी मैंने पाइपिंग लगाकर तैयार कर ली है चारों तरफ से। तो ये देखिए इसकी भी लगा ली है चारों तरफ से, और ये काफी सुंदर से स्लीपर बनकर तैयार हो गए हैं बहुत ही आसानी से। आपने देखा होगा इसे आज हमने वेस्ट पड़े हुए कपड़ों से बनाकर तैयार किया है, और इन स्लीपर को आप कहीं पर भी पहन सकते हैं, यानी कि रसोई में, पूजा घर में, जहाँ पर हम लोग चप्पल नहीं पहनते हैं वहाँ पर इनको पहनकर अपने पैरों को ठंड से बचा सकते हैं। तो आपने देखा होगा इनको बनाना कितना आसान है, वेस्ट पड़ी हुई चीजों से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।